नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्कैनर बनाया और इसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 11th ऑफ मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी और का व्यू दिखाऊंगा, बाय सेल लेवल का व्यू दिखाऊंगा, इनसाइड डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मैंने कुछ एडिशन किया है वैसे लेवल उसको दिखाऊंगा और 100 DEM स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू भी मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा और भी और मेरा जो ये जो फाइल है उसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसमें क्या क्या है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और इसका परफॉर्मेंस भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को ताकि आप लोग इसका ये फाइल का फ़ायदा उठा सके। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, इसमें फ्री ट्रायल के लिए इसका लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इसका आप लोग देख सकते हैं। और इसका फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग एलिस ब्लू आस्था ट्रेड और अपस्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन हो सकता है, ज्वाइन होने का मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसका सुबह आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने बाय सेल लेवल तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल बनाया, पहले उसको दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीन कर नहीं किया हूँ, आप लोग इधर से देख सकता है, इतना सारा स्टॉक आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाई सेल लेवल वन का वन में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है, और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ। और ये इसका सेकेंड सेट ऑफ बाई सेल लेवल है और इसका भी आप लोग देख सकता है। इसके बाद थर्ड सेट दिखाऊंगा, यह थर्ड सेट ऑफ बाई सेल लेवल, इसका आर वन का बाई का एंट्री लेवल है, एस वन का सेल का एंट्री लेवल है और इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकता है, यह स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस। और इसका देखिए बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल, इसका भी वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। टीरन लेवल का भी आप लोग नोट कर सकता है। और मैंने और भी कुछ बाई सेल लेवल मैंने बनाया जो कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग को इसमें स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ये देखिए ये है गन एंगल्स का जो है ये रेजिस्टेंस है, इसका ऊपर जब जाएगा तो वो ये अपर का लेवल है, ये फर्स्ट एंट्री लेवल इधर होगा, उसके बाद मतलब इसका ऊपर जाएगा तो ये आएगा ऐसे करके इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इधर जो है ये सपोर्ट है। और इसका और भी एक मैंने गन स्क्वायर ऑफ नाइन का जो है उसका भी मैंने इधर वैल्यू मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और एक जो है मुरेस मैथमेटिकल लेवल कैलकुलेशन, इसमें क्या है कि देखिए इधर हाईएस्ट रेजिस्टेंस इस इधर बीच में रहता है और लोएस्ट सपोर्ट इधर रहता है, सोच लीजिए इधर मतलब प्राइस सोच लीजिए 517 और 512 के बीच में रहता है, तो ये जब 523 के ऊपर जाएगा तो आप लोग 529 तक देख सकता है, नहीं तो 512 के नीचे आप लोग 504 का देख सकता है, इसको ट्रेड ऐसे करना है। तो और भी आप लोग को ये आप लोग देख सकता है और कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से देखने के लिए मिल जाएगा, गन एंगल्स का हिसाब से, गन स्क्वायर कप नाइन का हिसाब से, एमुरेस का मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कौन सा लेवल पर है ये भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा, ये आप लोग नोट कर सकता है। और देखिए ये जो रिवर्सल पैटर्न में कितना टाइम लगता है, कौन सा डिग्री में एक्चुअली गन का कौन सा डिग्री में है वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा, इधर से इसको 60 मिनट का डिवाइड किया है तो कितना टाइम में रिवर्सल होता है वो भी आप लोग देख सकता है, ये भी मैंने भी नया सीखा है, आप लोग भी इसको ऑब्जर्व कर सकता है, मैं भी ऑब्जर्व करूँगा कितना टाइम में रिवर्सल होता है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ऐसा है बाई सेल लेवल वन, उसके बाद बाई सेल लेवल टू,
इसके बाद ये वैसल लेवल 3, इसका पिवट पॉइंट, ये सब आप लोग को मैंने पहले वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जब दिया था तो आप एक लेवल दे दिया था, तो ये सब लेवल भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और जब ये इसके आप लोग को सुविधा होगा मॉनिटर करने के लिए, वो जब डिफरेंट लेवल पे आएगा तो आप लोग इसको मॉनिटर कर सकता है। और इधर आप लोग ये गन एंगल्स का भी नोट कर सकता है, गन स्क्वायर ऑफ 9 का सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर सकता है, और ये जो मूरेज जो कैलकुलेशन है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसी को कुछ क्लारिफिकेशन का जरूरत है तो मेरे को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग पूछ सकता है। और मैंने इसका कमोडिटी का देखा था, वो इस लेवल 1, 2, 3 पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस, इसके बाद गन एंगल्स, गन स्क्वायर ऑफ 9 एंड मूरेस कैलकुलेशन आप लोग को दिखाऊंगा। ये आप लोग ट्रेड करके देखिए और इसको नहीं तो ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कैसे रिजल्ट आप लोग को मिलता है। और इसका कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ। और मैंने इसके बाद 100 DEMA का स्ट्रेटजी आप लोग को दिखाऊंगा, जिस कैंडल का आज का जिस कैंडल को अगला दिन का कैंडल को 100 DEMA मूविंग एवरेज काट किया है उसका उसका जब हाई लो ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट, हाई लो ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट देता है। इधर देखिए अदानी एंड आप लोग कुछ चार्ट में चेक कर सकते हैं 100 DEMA मूविंग एवरेज लगा के, अंबुजा सीमेंट, रो फार्मा, बार्जर पेंट और भी बहुत सारा है, लेकिन आप लोग जब ज्वाइन होंगे तो आप लोग को ये पूरा फाइल मिल जाएगा, सर्विस लेंगे तो मिल जाएगा ये पूरा फाइल। और नहीं तो आप लोग फ्री ट्रायल के लिए पहले ज्वाइन हो सकता है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकता है कि आप लोग सर्विस लेंगे कि या नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद इंसेंट अवार्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का दिखाऊंगा, या NR4 NR7 का कुछ स्टॉक दिखाऊंगा। इधर NR4 NR7 तो नहीं बना, इधर NR4 NR7 BL में बना है, बेल में बना है, उधर को सिप्ला में बना है NR4 NR7, और इधर NR4 NR7 ही ज़्यादा दिख रहा है। इसट दबार तो इसट दबार ही ना, ये तो कमोडिटी हो गया। अच्छा, इसके बाद और भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन भी आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग खुद ही दस मैंने चार्ट में दिखाऊंगा का टाइम नहीं है तो इसीलिए आप लोग को चार्ट में रॉयरों से दिखाता हूँ। तो आप लोग पैटर्न या देखिए हायर आई हायर लोस कुछ बना है क्या देखते हैं, या लोअर आई लोअर लोस लगातार नहीं, इधर नहीं दिख रहा है। और उसके बाद पॉजिटिव हैमर, हैंगिंग मैन पैटर्न, ये भी नहीं है कुछ। इधर से कुछ देख सकता है, मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट ये भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, शेक आउट ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कौन सा स्टॉक्स में है, आप लोग को इधर से दिख जाएगा, आप लोग पॉज करके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और इधर देखिए डार्क क्लाउड कवर इधर बना है एशियन पेंट में, जो लोग को पैटर्न पता है वो लोग समझेगा समझ जाएंगे कि इधर मतलब चार्ट में देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इधर बियरिश ब्रेकआउट, और इधर फिबोनाची का 7 डेज का हिसाब से कुछ लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ। 7 डेज का हिसाब से जो लेवल है, 5 डेज का हिसाब से, ये देखिए जब बड़ा वाला टाइम फ्रेम का कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, तो इसीलिए इसको दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।